नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिन्हा। हमारे खास प्रोग्राम का कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 8 अप्रैल 2008 को गुजरात के जामनगर में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि शासक अगर एक जगह पर बैठकर देश चलाने की कोशिश करेंगे तो ये देश नहीं चल सकता। एक जगह पर बैठकर सरकारें चल सकती हैं, लेकिन हमें देश चलाना है और जब देश चलेगा तो सरकार भी खुद चल पड़ेगी। मुझे याद है, मैंने 4 साल पहले प्रवासी भारतीय दिवस के समय विश्व भर से आए हुए गुजरातियों और हिंदुस्तानियों के सामने एक फिल्म प्रस्तुत की थी, गुजरात अनलिमिटेड। और उस समय मैंने कुछ बातें रखी थी, मैं आज जिस विषय पर बल दिया गया है उसको एक तो मैं अप्रिशिएट करता हूं कि इसमें सीधी सीधी बात है, मैं और आप क्या कर सकते हैं। एक बार महात्मा गांधी किसी ने पत्र लिखा था और गांधी को पूछा था कि मनुष्य के मूलभूत अधिकार क्या है, और गांधी ने बड़े अच्छे शब्दों में उनको प्रत्युत्तर दिया था। उन्होंने कहा था कि व्यक्ति के कोई अधिकार नहीं होते, व्यक्ति के सिर्फ कर्तव्य होते हैं, और अगर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे तो दूसरे के अधिकारों की अपने आप रक्षा हो जाती है। मैं समझता हूं इसी एक फिलोसॉफी को लेकर हम अगर आगे चलते हैं, हम अपने कर्तव्यों को पालन करें तो यह देश इतना सामर्थ्यवान है, इतनी विविधताओं से भरा हुआ है, इतनी संपत्ति से भरा हुआ है, और 200 करोड़ भुजाओं वाला देश दुनिया को क्या कुछ नहीं दे सकता है। लेकिन ये विश्वास कैसे पैदा हो, ये विश्वास कैसे जताया जाए, और तब जाकर के मुझे लगता है कि हमारे देश के आजादी के आंदोलन की तरफ हम नजर करें, हम देखेंगे कि इतिहास के अंदर बहुत से लोगों ने देश की आजादी के लिए बहुत कोशिशें की, अपना जीवन खपा दिया, फांसी पे लटक गए, जिंदगी जेल में गुजार दी, परिवारों को तबाह कर दिया, देश आजाद करने के लिए अंडमान निकोबार की जेल में जिंदगी खपा चुके। लेकिन इन सारे प्रयासों के बावजूद भी आजादी का माहौल पैदा नहीं, आजादी की इस इच्छा को जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। जो छूट फूट प्रयास कभी इधर होते थे, कभी उधर होते थे, कहीं यहां कोशिश होती थी, उन्होंने एक जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया, और उन्होंने हिंदुस्तान के एक सामान्य व्यक्ति को भी इस जगह पर लाके खड़ा कर दिया कि तुम अगर सफाई का काम करते हो तो भी तुम आजादी के सैनिक, तुम अगर किसी रक्त पीतिया की सेवा कर रहे हो, लेप्रेसी के हॉस्पिटल में जाके काम करते हो तो भी तुम आजादी के आंदोलन में सही हो, तुम अगर चरखा लेकर के रुई काटते हो तब भी तुम आजादी के आंदोलन के हिस्से हो। और इस प्रकार से उन्होंने आजादी के आंदोलन को उन छोटे 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 स्वरूपों में बदल दिया, और जिसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऐसा हो गया कि पूरा देश आजादी के आंदोलन के साथ जुड़ गया और अंग्रेजों के लिए यहां से जाने के बिना कोई चारा नहीं। जिस मनोभूमिका के साथ महात्मा गांधी ने जन आंदोलन आजादी के लिए खड़ा किया था, मुझे लगता है समय की मांग है। अगर हम कहते हैं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है, अगर हम कहते हैं कि हिंदुस्तान का भविष्य उज्जवल है, तो समय की यह मांग है कि हम जल्द से जल्द विकास को जन आंदोलन में परिवर्तित करें। डेवलपमेंट एक मूवमेंट बननी चाहिए। अगर विकास एक जन आंदोलन बनता है, हर व्यक्ति को लगता है कि हाँ, मेरे देश को आगे ले जाना, अगर इस जन आंदोलन में सबको हम शरीक कर सके तो हमारा ये जनबल, हमारी ये सांस्कृतिक विरासत, हमारा ग्लोबल पर्सपेक्टिव और नॉलेज के युग में जब हिंदुस्तान
ज्ञान के युग में प्रवेश किया है, भारत ने हमेशा नेतृत्व किया है। ये ज्ञान का युग है, उस नेतृत्व की संभावना है और इसलिए आवश्यकता है ये कि हम विकास को छुटपुट प्रयासों के बजाय एक जन आंदोलन में परिवर्तित कैसे करें और देश की लीडरशिप के सामने, देश के ओपिनियन मेकर्स के सामने ये बहुत बड़ा दायित्व है कि हम विकास में सामान्य मानवी को कैसे जोड़ें। वो अपने गांव के अंदर छोटा सा भी काम करता होगा लेकिन उस करते समय उसको विश्वास होना चाहिए कि मेरे इस काम को करने से मेरा देश विश्व की बहुत बड़ी शक्ति बनकर के उभरने वाला है और उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा, उसका कोई हिसाब हम नहीं लगा सकते। और इसलिए मुझे लगता है अप्रोच के संबंध में हमने विकास को जन आंदोलन बनाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए और जब विकास जन आंदोलन बनता है, आप बाजार में कुछ खरीद करने जाए और वहां भीड़ हो, पार्किंग की व्यवस्था न हो तो आप परेशान हो जाते हैं, लेकिन मेले में जाए, चीज अच्छी मिले ना मिले, खाना मिले या ना मिले, पानी के लिए घंटे भर चलने की नौबत आ जाए, फिर भी आपको वहां आनंद मिलता है। ये जो ह्यूमन साइकी है, उस साइकिल का उपयोग करते हुए हम इस देश का नेतृत्व कैसे करें। और एक जो बात है, हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, मैं अगर गुजरात में कहूं तो हमारे यहां दो चीजें बड़ी प्रभावी है, मैं शब्दों का प्रयोग गुजराती करता हूं। सबसे पहला कोई भी बात होती है तो मन में प्रश्न होता है मारूस हूं, और मारूस हूं मेरा क्या, उसका जवाब अगर पॉजिटिव नहीं मिलता है तो उसके साथ दूसरा वाक्य तुरंत निकलता है महरेश। देखिए दो शब्दों में कितनी बड़ा अंतर दिखाई देता है, देश कहां से कहां चला जाएगा। अगर एक ये कहे मारूस हूं, भैया बधु कहो जो मैं मारूस हूं, मारा परसेंटेज छू, मारी कैरियर नु छू, मैंने लाभ छू, अरे ये जो न थयू तो महरेश भाई करो तमें तमारो खोड़ो, आप कीजिए, आप अपना कर लीजिए, मुझे क्या लेना देना। मैं तो एक्सट्रीम नेगेटिव पीएस में जो हम चल रहे हैं, इस देश की इस मनस्थिति को बदलने का काम हम सबका, जब तक हम इस अप्रोच को नहीं बदलते तब तक हम स्थितियों को पलट नहीं पाएंगे। चीजें भले छोटी लगती हो लेकिन इन चीजों में परिस्थिति को बिगाड़ने का बहुत बड़ा सामर्थ्य रहा हुआ है। हम कैसे स्थितियों को बदले उस पर बल देने की मैं समझता हूं आवश्यकता है। लोकतंत्र का सही मायना मैं जो समझता हूं वो ये है कि हमने जन भागीदारी से देश चलाना पड़ेगा। शासक एक जगह पर बैठकर के अगर देश चलाने की कोशिश करेंगे तो देश नहीं चल सकता है, सरकारें चल सकती है। मित्रों हमें देश चलाना है, सरकार देश चलता है, सरकार भी चल पड़ेगी। इस भूमिका के साथ अगर हम सोचते हैं तो स्थितियां बदली जा सकती, और इसलिए मेरी सोच आम तौर पर जो सोचा जाता है मैं उससे अलग विचारों को रखने वाला व्यक्ति, और उसके कारण मुझे अप्रोच होता है। देखो हमने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से देश चलाया, इससे क्या स्थिति बन गई। जरा यहाँ सूरत के अंदर देखा होगा तो वहां कूड़ा और कचड़े के ढेर ऐसे थे, लाशें थी, पशु थे, और सबके सब लोग कहते थे अरे भाई मोबाइल फोन चालू नहीं है, चार्जिंग का क्या करोगे, अच्छा देखो उसको फोन करो, ये करना होगा। मैं खुद जाकर वहां खड़ा हो गया और दिन में तो मैं घूम नहीं पाता था, इसलिए नहीं घूम पाता था, मीडिया वालों को मसाला खोजने में इंटरेस्ट था, तो मैंने तय किया मैं दिन भर जो होता है वो अपनी मीटिंग करूंगा, रात को खूब मैदान में जाऊंगा। और मित्रों मैं रात रात गलियों में घूमता था, सारे काम को रात को करता था, सफाई के काम को खुद देखा, उस चीज का ऐसे इलेक्ट्रिफाइंग इफेक्ट हुआ। बाद में कंट्रोल रूम में फोन आना बंद हो गया, अगर फोन आते थे तो ये आते थे कि हमने इतना कूड़ा कचरा हटा दिया है, अगर कोई व्हीकल मिल जाए तो हम कहां पहुंचा इसका हमको पता दे दो। और लोकतंत्र का सामर्थ्य यही है जन भागीदारी। मित्रों गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां 10 साल में 7 साल वोटर्स स्कैसिटी के साल करते हैं, 10 साल में 7 साल वोटर्स स्कैसिटी के कारण क्या हाल हो सकते हैं आप अंदाज कर सकते हैं। मेरा पूरा कच्छ सौराष्ट्र जामनगर के अंदर आप बैठे हैं,
लाखों की तादाद में यहां के नौजवान रोजी रोटी के लिए सूरत मुंबई को चल पड़ते हैं। मैं तो सबको कहते समाधान करना चाहिए, कोई समाधान खोजता है क्या? तो गुजरात एक चिरंजीव स्कीम बनी और पूरे देश में शायद आने वाले दिनों में एक मॉडल के रूप में वो विकसित होनी चाहिए। और वो उसमें मैंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्स अगेन मेरी भूमिका ये है कि जन भागीदारी के बिना देश आगे बढ़ ही नहीं सकता। जन भागीदारी के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता है। गवर्नमेंट मैकेनिज्म और गवर्नमेंट फाइलों के द्वारा ये देश सफल नहीं हो सकता है जब तक कि सच्चे अर्थ में जन भागीदारी न हो, जनता के हाथ में ताकत ना हो। और उस जनता के हाथ में ताकत देने का तरीका ये कि मैंने चिरंजीव स्कीम बनाई। मैंने डॉक्टरों को प्राइवेटली एमओयू किया, जो जितने कार्य कर रहे थे उनको मैंने कहा कि आप अगर कोई भी गरीब महिला आपके यहाँ प्रेग्नेंट वुमेन आती है, आप उसको ट्रीटमेंट करेंगे तो मैं अगर रेगुलर डिलीवरी होगी जितना पेमेंट दूंगा, सिजेरियन होगा जितना पेमेंट दूंगा। उन परिवारों को कहा कि जिन डॉक्टर के पास जाओगे घर से अस्पताल तक जाने का 200 रुपया किराया मैं दूंगा, जितने दिन अस्पताल में रहोगे पर डे 200 रुपया दूंगा, आपके पति साहब रुकावट न करे थे उनको 50 रुपया दूंगा, और डिलीवरी के बाद अपने बच्चे को लेकर घर जाओगे तो उसका भी 200 रुपया दूंगा और हॉस्पिटल का खर्चा दूंगा। मित्र एक छोटा सा निर्णय किया, उसका आज परिणाम यह है कि इस योजना के अंतर्गत अगर मेरे यहाँ 1,00,000 डिलीवरी होती है तो 4,500 माता और बच्चे मर जाते हैं। अगर ये स्कीम न होती तो 1,00,000 में 4,500 माताएं बच्चे मर जाते हैं और किसी टीवी पर आपको दिखाई न देते। उसने दूध पिया भी नहीं, पानी पिया भी नहीं, सांस लेता कुछ नहीं सुना होता तो बेचारे मर जाते। मित्रों आज स्कीम के कारण 4,500 में मुश्किल से एक माता मरी है और 80 के करीब बच्चे मरे हैं, बाकी सबकी जिंदगी बच गई है। मित्रों इससे बड़ा लोग इससे बड़े लोकतंत्र की क्या सेवा है? और इसलिए मुझे लगता है कि हम जितनी बड़ी मात्रा में जन भागीदारी को बढ़ावा देंगे, जितनी मात्रा में लोगों को जोड़ेंगे उतनी मात्रा में हम परिवर्तन ला सकते हैं। मित्रों आने वाले दिनों में गुजरात जो प्रगति की दिशा में जाना चाहता हूं, मैं एक तरफ लगाऊं मेरे यहां इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट हो, मैं एक तरफ चाहता हूं मेरे यहां सर्विस सेक्टर का बढ़ावा मिले, मैं एक तरफ चाहता हूं मेरे यहां इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, लेकिन इस सबका अंतिम गोल मेरा ये होता है कि मेरे यहां ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर मैं दुनिया की जो डेवलप कंट्रीज है उसकी बराबरी में पहुंचना चाहता हूं। और मैंने उस पर बल दिया है, मैं लगातार उस पर काम कर रहा हूं और मैं मानता हूं कि एक बार हम कोशिश करेंगे तो चीजों को बदलेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो जाएगी। मित्रों अगर हम चीजों को पकड़ के चले तो स्थितियों को बदल सकते हैं। मित्रों हमारे देश में आपने गरीबपति से लेकर के राष्ट्रपति तक एक बात सुनी होगी, वो बात यह होती है जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई, सुना है सबने, हर कोई बोलता है, कोई रास्ता खोलता है क्या? मित्रों गुजरात में रास्ता खोजा, मुझे याद है मेरे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट जज ने गुजरात के और देश के सभी हाईकोर्ट जजेज और चीफ जस्टिस उसको बुलाया था, तो पहली बार गया तब मैंने वहां पर बात की थी। मित्रों हमने कोई रास्ते खोजे, गुजरात इज द फर्स्ट लेडी टू गवर्न जिसने इवनिंग कोर्ट शुरू की और जो दिन में मजदूरी करने वाले लोग हैं सी ओनली 24 लैक्स। मित्रों जस्टिस के लिए भी व्यवस्थाएं बदली जा सकती है और इसलिए मित्रों जिस प्रकार से हम बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर देखते हैं उसी प्रकार से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर भी बल देंगे। उस बातों को बल देकर के एक होलिस्टिक अप्रोच, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, उन चीजों को लेकर के हम चल रहे हैं।